सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो फाइनली अभी मैं रेडी ओडी होके निकल चुका हूँ सिटी की तरफ। अभी तो गांव पे हूँ, अभी पैदल जा रहा हूँ, आगे से 8 मिनट उससे निकलेंगे। और मैं बता देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज मेरा लास्ट पेपर है, वो कि दो है, आज दोनों हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा था दोनों क्लियर हो जाते, उसके अलावा फिर आदमी कुछ आगे की प्लानिंग करता। तो मैं अभी अकेले ही हूँ, चलते हैं। फाइनली गाइस रोड पे आ गए हैं, पैदल ही अभी। और रोड में ज़्यादातर वही वाहन वगैरह एकदम खाली देख लो, पूरा रोड खाली। और तो गाइस आगे से ना एक और बंदा ज्वाइन करेगा हमें, तो साथ में निकलेंगे, चलते हैं। ब्लॉक पर बने रहो गाइस, देख सकते हो पूरा रोड खाली है यार अभी यहाँ पे। और इधर का भी देखो, इधर भी खाली है। यहाँ पे एक और बंदे का वेट कर रहे हैं, इधर से आएगा वो। फोटो ले रहे हैं, पहुँच गए, ऑटो नहीं मिली, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली यार ऑटो मिल गई है, उसे बैठ के निकलेंगे। यहाँ से मुझे फिर पैदल जाना पड़ेगा। चलो गाइस फाइनली गाड़ी वगैरह से उतर के हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी अब जा रहे हैं लॉ कॉलेज, हम लोग का सेंटर है पेपर का। तो ओनली 100 मीटर डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस पे अभी जा रहे हैं। और एक भाई और है जो कि मेरे साथ में ही है, और दोनों पैदल ही हैं। तो ब्लॉक पर मेरे, वो चलते हैं। गाइस ये है क्लास, यहाँ पे बैठ के हमें पेपर वगैरह देना है। ये अभी पूरी खाली है, बच्चे आ रहे हैं लोग, थोड़ा जल्दी। दूसरे मंजिल में घूम रहे हैं, और एक बार दिखाते हैं नीचे का नज़ारा कैसा है। हालांकि ज़्यादा तो एक बार दिखाते हैं। हाँ तो भाई यहाँ पे स्टाफ रूम वगैरह वाले बैठे हैं, ये देखो। और वहाँ है कुछ मंदिर, है कुछ, दो मंजिला ही है ये। Who don't know what thirst is? I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel. Finally, paper complete हो गया। Paper आज से, मतलब paper खत्म, paper देने की tension खत्म हो गई आज से। और आज दो paper थे तो दोनों complete हो गए हैं। और अभी मतलब तीन चार घंटे का paper में time रहता, मतलब 2 से 5 के around। तो मतलब 2 घंटे में हम लोग पेपर दे के निकल आए, बाहर आ गए हैं। और मैं एक बार दिखा देता हूँ बैक करके, ये बैकग्राउंड के ऊपर बैठा हूँ, यहाँ पे मैच वगैरह ग्राउंड में। और नीचे ये इधर बैठने का वैसे दो ही लोग हैं, खाली है पूरा, कल गाड़ियाँ वगैरह चल रही है। और मैं बता दूँ कि पेपर मेरा कैसे हुआ है। हुआ है OMR शीट में, अगर आप लोग को पता ना होगा। OMR होती है, जैसे हम लोगों ने 10th या 8th या 11th में दिया होगा, 11th में नहीं, 10th या 8th में होगा, प्रतिभा पर्व का। अगर आप लोगों को सुना होगा, अगर सीधे सीधे मैं बोलूँ, प्रतिभा पर्व में गोला लगाने वाला सिस्टम, यानी टीका आता आदमी गोला टाइप में एकदम गाढ़ा एकदम से, सेम ऐसे प्रतिभा पर्व का होता है। ऐसी OMR शीट मिलती है, एकदम एक पन्ना का पेंच रहता है, उसी में सब कुछ भरना पड़ता है, ओनली टीक लगाना पड़ता है, जस्ट सेम। तो दो दिन पेपर हुए थे, 22 को जो पेपर हम लोग को छूट गए थे, 22 को और 24 को वही पेपर हो गया है। अब बस पेपर पर हो गया, अब आगे देखते हैं क्या होता है, फाइनल की तैयारी क्या करना है। बस एक फॉर्म भरना था आज, तो समय ज़्यादा हो गया है, और आज तो जमा होगा नहीं, देख लेंगे, स्लिप वगैरह ले लेंगे। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे बैठा हूँ। तो ये रही भाई एकेडमी, ये जो NCC वाली है बच्चों की है बगल में, और ये है सेंटर एकेडमी, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं ये वाले यहाँ पे। और ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे टिकट वगैरह होता है, देख सकते हो चारों तरफ। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। वीडियो